हेलो व्यूअर्स, मैं निशी कौशिक, HOD टेक्सटाइल, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। तो गर्ल्स, अपन लोग आज जो TTC LRDC की तरफ से आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर्स हम लोगों के द्वारा जो अवेलेबल कराए जा रहे हैं, उसमें मैं सब्जेक्ट स्ट्रक्चर टेक्सटाइल डिज़ाइन कोड TD 124 का Unit 6 क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक वीव्स वो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ गर्ल्स। यानी कि जो अपनी बेसिक वीव्स मुख्य बुनाइयाँ हैं उनका वर्गीकरण, ये अपना Unit 6 है गर्ल्स। और अभी तक आप लोग जो हैं इतना तो पढ़ ही चुके हैं सारी चीज़ें कि अपनी कितनी तरह की वीव्स होती हैं। तो गर्ल्स, अपनी बेसिक वीव्स आज मैं आप लोगों को एक बार और बता रही हूँ कि बेसिक वीव्स जो हैं वो अपनी 3 तरह की हैं, जैसे अपन लोग जानते ही हैं, प्लेन, ट्विल एंड सैटन। ठीक है, ये जो तीनों अपनी बेसिक वीव्स हैं, या बेसिक वीव्स या फंडामेंटल वीव्स किसे कहते हैं गर्ल्स, ये आप लोगों को पहले क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर। तो गर्ल्स, बेसिक वीव्स या फंडामेंटल वीव्स वे वीव्स हैं जिनका अपना कोई सिद्धांत होता है तथा एक रिपीट के अंदर, समझ गए, एक रिपीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एंड्स एंड टोटल नंबर ऑफ पिक्स की जो मात्रा है वो सेम होती है, समझ गए ना। यानी कि जो एंड्स हैं एंड पिक्स हैं उनकी जो संख्या है वो बराबर होंगी, यानी कि EPI बराबर PPI के होंगे, तब अपनी एक रिपीट जो है वो गर्ल्स मानी जाती है डिज़ाइन की, यानी कि 1 यूनिट ऑफ डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट होगा। जैसे गर्ल्स आप लोगों को अप एंड डाउन ट्विल का सिद्धांत है जो है 1 outward and 1 upward, सैटिन या सैटिन वीव जो है उनका जो अपना सिद्धांत या पैरामीटर है वो है कि अपन को कोई भी मूविंग नंबर, शिफ्ट नंबर या काउंटिंग नंबर जो है वो लेना पड़ता है। ठीक है, और उस जो काउंटिंग या मूविंग नंबर अपन ले रहे हैं या शिफ्ट नंबर ले रहे हैं उसका भी एक सिद्धांत है कि एक तो जो है जो जितने भी नंबर ऑफ एंड्स एंड पिक्स के ऊपर अपन बना रहे हैं उससे वो डिवाइजेबल नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, एक अपन फर्स्ट नंबर नहीं ले सकते और जितने भी एंड्स एंड पिक्स के ऊपर बना रहे हैं उसका लास्ट नंबर और उसके पास वाला नहीं ले सकते। ठीक है ना गर्ल्स। तो अपन आज अपना जो 6th यूनिट है गर्ल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक वीव्स, वो कंप्लीट कर रहेंगे। तो गर्ल्स देखो, प्लेन वीव जो है, सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेन, ट्विल एंड सैटिन ये अपनी 3 जो हैं बेसिक या फंडामेंटल वीव्स हैं। अब अपन पहले प्लेन वीव जो है उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, समझ गए, या प्रकार हैं वो पढ़ लेते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या है प्लेन वीव का। तो गर्ल्स, प्लेन वीव को मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा रखा है कि प्लेन वीव को अपन ने एरो के द्वारा जो है 4 भागों में जो है डिवाइड कर रखा है गर्ल्स। फर्स्ट है अपनी वार्प रिप, ठीक है, जिसमें अपन लोग जो है जो बंधा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर जो है अपने कॉर्ड या रिब्स कपड़े के ऊपर आती हुई नजर आएंगी। ठीक है, वार्प रिप है तो अपन को जो कपड़े के विड्थ वाइज आएंगी, समझ गए, तो विड्थ वाइज जो कॉर्ड या रिब्स हैं वो कपड़े के ऊपर आती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट अपना है वेफ्ट रिप। वेफ्ट रिप जो है इसके अंदर अपनी कॉर्ड या रिब्स जो है कपड़े के लेंथवाइज डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकली आती हुई नजर आएंगी। हॉपसेक, मैट या बास्केट वीव, ठीक है, ये तीनों वीव्स को अपन जो है या तो आप मैट कह सकते हो या बास्केट कह सकते हो या हॉपसेक वीव्स कह सकते हो गर्ल्स। तो ये जो तीनों वीव्स हैं जो अपना तीनों जो इनका एक ही नाम है, ठीक है, ये भी अपनी क्या है प्लेन वीव की एक जो है डेरिवेटिव्स है जिसको अपन वार्प रिप और वेफ्ट रिप के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। नेक्स्ट गर्ल्स अपना है मॉक रिप इफेक्ट। इसके अंदर जो है अपन शटल में जो पर्न डाली जाती है उसमें डिफरेंट जो कलर्स के थ्रेड्स हैं उनको ले सकते हैं या हल्का सा ट्विस्ट कर सकते हैं जिससे कि, और 2 पिक्स के आवाज में एक एंड या 2 एंड्स के अपेक्षा जो है एक पिक को लेते हुए अपन जो कपड़े के ऊपर जो है रिप इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं गर्ल्स।
तो अब जैसे कि वार्प रिप है गर्ल्स, इसको अपन लोगों ने, क्योंकि अपन प्लेन वीव के डेरिवेटिव्स पहले पढ़ेंगे, तो प्लेन जो अपनी वार्प रिप है गर्ल्स, इसको अपन ने वापस से दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक है अपना रेगुलर वार्प रिप और दूसरा है इरेगुलर वार्प रिप। जो रेगुलर वार्प रिप है गर्ल्स, वो जो है सेम एंड्स एंड पिक्स के ऊपर बनाई जाती है, यानी कि जैसे कि 2x2 है जिसमें एंड्स एंड पिक्स की संख्या समान है, 3x3 है, 4x4 है, तो इनके ऊपर जो भी अपन रिप बनाएंगे गर्ल्स, तो वो वार्प रिप जो है वो रेगुलर वार्प रिप कहलाएगी। समझ गए? नेक्स्ट अपना है इरेगुलर वार्प रिप। इरेगुलर वार्प रिप के अंदर जो एंड्स एंड पिक्स हैं उनकी संख्या जो है गर्ल्स वो अलग अलग होगी, असमान होगी, यानी कि जैसे कि 3x2, 2x1, 4x3। समझ गए? इसी तरह गर्ल्स वेफ्ट रिब है, वेफ्ट रिब भी दो तरह की है, रेगुलर वार्प रिब और इरेगुलर वेफ्ट रिब, सॉरी रेगुलर वेफ्ट रिब और इरेगुलर वेफ्ट रिब। जो रेगुलर वेफ्ट रिब है वो ही बात है कि जिसमें 2x2, 3x3 एंड्स एंड पिक्स की मात्रा समान है, वो रेगुलर वेफ्ट रिब है। और वेफ्ट रिब के अंदर जो है हमें जो है कैसी लाइनिंग्स नजर आएंगी गर्ल्स, आती हुई कपड़े के वर्टिकली, और इरेगुलर जैसे जिसमें एंड्स एंड पिक्स की संख्या असमान है वो आएगी गर्ल्स। ठीक है, अब आ जाइए हॉपसेक मैट या बास्केट वीव। ये जो हॉपसेक मैट या बास्केट वीव है गर्ल्स, इसको अपन वापस से चार भागों में जो है ना डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वर्गीकृत कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है रेगुलर हॉपसेक, जिसमें यानी कि मानी भी बात है एंड्स एंड पिक्स की संख्या समान होगी। इरेगुलर जिसमें कि एंड्स एंड पिक्स की संख्या असमान होगी। समझ गए? नेक्स्ट फैंसी या वेरीगेटेड हॉपसेक गर्ल्स। फैंसी या वेरीगेटेड हॉपसेक जो है प्लेन वार्प रिप और वेफ्ट रिप, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो वीव्स बनाई जाएगी वो फैंसी या वेरीगेटेड हॉपसेक कहलाई जाएगी। अब आ जाता है गर्ल्स, एक है फर्दर एक्सटेंशन ऑफ हॉपसेक वीव, जिसको अपन मिसलेनियस एलिमेंट्री वीव्स भी बोलते हैं हॉपसेक के अंदर। तो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ हॉपसेक वीव, यानी कि जो हॉपसेक वीव में जो डिसएडवांटेजेस थी उनको दूर करने के लिए डिजाइनर्स के द्वारा समय समय पर जो वीव्स बनाई गई उनको अपन फर्दर एक्सटेंशन ऑफ हॉपसेक वीव्स में पढ़ते हैं गर्ल्स, जैसे बार्लिकॉन हॉपसेक, स्टिच्ड हॉपसेक एंड ट्विल्ड हॉपसेक। इससे पहली वाली क्लास में अपन इस तरह की तीनों वीव्स जो है वो गर्ल्स ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे चुके हैं। ठीक है गर्ल्स, तो प्लेन वीव के यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक वीव्स हैं। प्लेन वीव की जो है, तो प्लेन वीव जो है आप लोग जानते ही हो कि प्लेन वीव को बनाने के लिए हमें मिनिमम जो है 2 एंड्स एंड 2 पिक्स की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही इस वीव को बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 हील्स की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए ना? और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो वन अप वन डाउन, यानी कि जो है वार्प ओवर वेफ्ट एंड एक दूसरे में वार्प अंडर, जो है एक तो ओवर चलेगा वेफ्ट के और एक अंडर चलेगा, और फिर इसके वाइस वर्सा चलते हैं। ठीक है, तो ये अपनी प्लेन वीव के क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया गर्ल्स। नेक्स्ट आ जाइए गर्ल्स ट्विल वीव। ट्विल वीव को देखिए गर्ल्स, मैंने नीचे एरो लगाते हुए इसके जो हैं डिफरेंट टाइप्स बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए गर्ल्स पॉइंटेड, वेव्ड एंड जिगजैग ट्विल। पॉइंटेड, वेव्ड एंड जिगजैग, जैसे मैंने बताया है कि ट्विल वीव का जो सिद्धांत है गर्ल्स वो वन आउटवर्ड वन अपवर्ड का है। डेरिवेटिव्स वो कहलाते हैं जिसको कि अपन उसी वीव के सिद्धांत के ऊपर या तो रिवर्सिंग मेथड से बना देते हैं, ठीक है, या उसमें जो है कोई भी जो है चेंजेस करके जो पैरामीटर्स हैं, लेकिन पैरामीटर वो ही रहेगा और उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि अपन ने ट्विल वीव में देख रहे हैं गर्ल्स, जैसे पॉइंटेड वेव्ड एंड जिगजैग में क्या है कि अपन रिवर्सिंग पॉइंट्स जो हैं उनको अलग अलग लेके और पॉइंटेड वेव्ड एंड जिगजैग ट्विल बना सकते हैं। जैसे कि पहले बेसिक बनाओगे और फिर बेसिक को जो अपना लास्ट एंड है गर्ल्स, जैसे कि 3x2 की अपन बना रहे हैं तो टोटल बनेगी 5 एंड एंड 5 पिक्स पे, क्योंकि इसको ध्यान है गर्ल्स आप लोगों को शायद
कि इट विल बी जो है वो हरदम फ्रैक्शनल नंबर्स पर बनाई जाती है, जैसे कि 2/2, 2/1, 3/2, 4/4, 3/3, जो भी है, ठीक है ना। ये भी जो है दो तरीके की होती है, रेगुलर यानी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। जो बैलेंस्ड है वो 2/2, 3/3, 4/4, जिसमें कि एंड्स एंड पिक्स की संख्या समान होती है, और अनबैलेंस्ड वो हो जाती है गर्ल्स, जिसमें एंड्स एंड पिक्स की संख्या असमान होती है, जैसे कि 2/1, 1/2, 3/2, 4/3, 5/3, ये जितनी भी वीव्स हैं गर्ल्स, ये वाली अनबैलेंस्ड ट्विल वीव कहलाती है। और ये जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ट्विल वीव हैं, ये सभी इन्हीं के ऊपर इन सबको अपन बना सकते हैं। तो गर्ल्स इसमें जो है आप लोग जानते ही होंगे कि ट्विल वीव्स की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें अपन को डायगनल लाइंस कपड़े के ऊपर आती हुई नजर आती हैं। तो गर्ल्स पॉइंटेड, वेव्ड एंड जिगजैग यानी कि रिवर्सिंग मेथड पर आधारित है, जिसमें कि अपन जो है जैसे कि पॉइंटेड में जो लास्ट नंबर है 3/2 की अपन बना रहे हैं, तो 5 के बाद जो है रिवर्स करेंगे 5 के बाद, है ना, 4/3/2, 1 इसलिए नहीं लेंगे कि रिपीटेशन में अपना 1 उधर से आ जाएगा। जो वेव्ड है उसमें अपन 5 के बाद आधे तक या थोड़ा उसके जो आसपास का नंबर है वहां तक आएंगे, जैसे कि 5 के बाद 4/3, फिर वापस से ऊपर जाएंगे 4/5, फिर नीचे आ जाएंगे 4/3/2। ये अपन लोग सब कर चुके हैं गर्ल्स, आप लोगों को बहुत इसलिए मैंने इसको बाद में लिया कि आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। जिगजैग में भी गर्ल्स जैसे 3/2 की अपन बना रहे हैं, तो 1/5 तक बेसिक वीव चलने के बाद अपन आधे तक नीचे आएंगे या उसके आसपास करीब तक, जैसे कि 4/3, क्योंकि 5 का अपन आधा नहीं कर सकते तो 3 तक आ सकते हो, समझ गए। तो 4/3 तक आने के बाद वापस से ऊपर जाओगे 4/5, तो ये अपनी जिगजैग ट्विल वीव बन जाएगी गर्ल्स। नेक्स्ट है हेरिंगबोन ट्विल। इसको जो हेरिंगबोन ट्विल का सिद्धांत या वो जानते ही हो, इसमें बस अपन को ये चेंज करना है कि ये हरदम दुगने एंड पे बनेगी। जैसे कि सपोज 2/2 की अपन ट्विल वीव बना रहे हैं, तो वो 4 एंड 4 पिक्स पे बनेगी बेसिक, और जब इसको अपन हेरिंगबोन पे बनाएंगे गर्ल्स हेरिंगबोन ट्विल इफेक्ट पे, तो वो दुगने एंड्स यानी कि 8 एंड 4 पिक्स पे बनेगी। 4 का आधा दुगना हो गया 8, और उधर तो पिक्स तो वही रहेंगे, ठीक है। तो 8 एंड 4 पिक्स पर इसकी एक रिपीट कंप्लीट हो जाएगी। और आपको पता ही है कि इसमें जो नेक्स्ट वाला है उसमें जहाँ पर अपने अप इंटरलेसमेंट है वहाँ पे डाउन रखना है स्क्वायर को, यानी कि खाली रखना है, यदि पहले में भरा है अपोजिट चलते चलेंगे। ब्रोकन ट्विल है गर्ल्स। ब्रोकन ट्विल में अपन जो है दो मेथड से बनाते हैं, एक तो रिवर्सिंग मेथड या ब्रेक मेथड, और दूसरा है एंटर एंड स्किपिंग मेथड, समझ गए। नेक्स्ट अपना आ गया गर्ल्स ट्रांसपोज्ड या रीअरेंजमेंट ट्विल वीव। ट्रांसपोज्ड या रीअरेंजमेंट ट्विल वीव के अंदर अपन शुरू से जो है इसको रिवर्सिंग करते हैं। अब मैंने इसको अपन लोग इसको 12 जैसे या 8 एंड 8 पिक्स पे एक सिंपल ट्विल लाइन बना के समझ सकते हैं कि उसमें जैसे कि अपन शुरू से उल्टे क्रम में चलेंगे, जैसे ब्रोकन ट्विल में 1/2/4/3 यदि 2/2 की बना रहे हैं, समझ गए, और 1/2/4/3 अपोजिट चलते हैं, इसमें अपन शुरू से ही अपोजिट चलेंगे, जैसे कि 2/1 2/2 का पेयर बना के फिर 4/3 इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाइए एलोंगेटेड ट्विल वीव, है ना। तो रीअरेंजमेंट, इससे पहले वाली गर्ल्स जो ट्रांसपोज या रीअरेंजमेंट है, इसका मतलब ही यही है कि अपन लोगों ने जो बेसिक वीव बन रही है उसके जो एंड्स हैं या पिक्स हैं उसको रीअरेंज करते हैं, जिससे कि ट्रांसपोज वीव या ट्रांसपोजिशन इफेक्ट जो है वो बनते हुए कपड़े के ऊपर आ जाता है गर्ल्स। नेक्स्ट है एलोंगेटेड ट्विल वीव। एलोंगेटेड ट्विल वीव के अंदर अपन जो है क्या बनाते हैं गर्ल्स, एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। तो एंगल बनेगा, तो इस एंगल को अपन ये मान के चलते हैं कि यदि 45 डिग्री से ऊपर का होता है गर्ल्स, समझ गए, तो वो स्टीप ट्विल एंगल कहलाएगा, और यदि 45 डिग्री से नीचे के बनेगा तो फ्लैट एंगल कहलाएगा, है ना, या लो एंगल कहलाएगा। तो इसमें जो है गर्ल्स एलोंगेटेड ट्विल वीव में अपन ये जो कोण बनाते हैं, ठीक है, तो इसको जो है यदि अपन एक एक के अंतर से बनाएंगे, जैसे कि अपन ने पहले बेसिक बना लोगे एक तरफ स्क्वायर पेपर पे, फिर उसको दूसरी तरफ जो है जैसे ए में अपन ने जो है आपने बनाया 3/3 की,
तो जब अपन उसके एलोंगेटेड ट्रेल बनाएंगे तो उसमें एक के अंतर से जो है एंड्स या पिक्स को उतारते चलेंगे, जैसे कि एक लिया दो नहीं लोगे, तीन लोगे, चार नहीं लिया पांच लोगे, ठीक है, ये छह नहीं लेंगे तो वापस से अपन एक ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि पांच के बाद अपना छह ना लेके एक हो जाएगा, तो अपना इस तरह से जो है रिपीट बन जाएगी। और यदि पिक वाइज चलेंगे तो अपना फ्लैट एंगल बन जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा गर्ल्स। तो ट्विल वीव अपने जो फर्स्ट ईयर में है गर्ल्स, वो एलोंगेटेड ट्विल वीव तक अपन को पढ़ना पड़ेगा। प्लेन वीव में अपन ये सारी जितनी भी हैं मैंने आपको अभी जो बताया वो हैं, और ये वाली जो एलोंगेटेड ट्विल वीव तक अपने कोर्स में यहाँ तक ही है। उसके बाद वैसे गर्ल्स इसमें जैसे अपन चार्ट बना रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक वीव का, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्विल वीव्स भी हैं जिसमें अपन टू वीव्स को कोई भी लेकर और उनको सेम एंड एंड सेम पिक्स पर बना के कुछ ऐसी वीव्स लेते हैं जिनमें सेम एंड एंड सेम पिक्स पर अपनी बन जाए वीव्स, ठीक है गर्ल्स। नेक्स्ट आ जाइए अपनी थर्ड बेसिक वीव, है ना, सैटर्न एंड सैटर्न वीव। ये सैटर्न एंड सैटर्न वीव जो है एक तो रेगुलर होएगी गर्ल्स, जैसे कि जो है जिसमें अपन एक ही मूविंग शिफ्ट नंबर या काउंटिंग नंबर लेकर पूरा बना लेते हैं तो वो रेगुलर कहलाएगी, है ना। और साथ ही सैटर्न एंड सैटर्न दोनों में एक अंतर ये भी है कि जो सैटर्न है ये दो तरह की होती है, एक वार्प फेज और वेफ्ट फेज। इसमें सैटर्न में वार्प के जो धागे हैं वो कपड़े के ऊपर प्रोमिनेंट आते हैं, यानी कि इंटरलेसमेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको वार्प फेज बोलते हैं। और सैटर्न के अंदर वेफ्ट के फ्लोट्स ज़्यादा नजर आते हैं, ठीक है ना। तो एक ही इंटरलेसमेंट होता है पूरे उसमें, जैसे हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, और इसमें एक ही मूविंग नंबर लेकर अपन पूरी वीव को बना देते हैं गर्ल्स, तो वो अपनी रेगुलर हुई, ठीक है। जैसे फाइव एंड एंड फाइव पिक्स पर अपन टू या थ्री मूविंग नंबर लेकर पूरी बना सकते हैं, एट एंड एंड एट पिक्स पर बनानी है तो थ्री या फाइव मूविंग नंबर लेकर पूरी बना सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइजेबल नंबर भी नहीं होते, क्योंकि दो चार छः जो है वो डिवाइजेबल हो गए, लेकिन इसमें नहीं है। इरेगुलर गर्ल्स, इरेगुलर जो है वो है जिसमें कि अपन को कोई भी मूविंग नंबर जो है लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे समझ गए, या जो है ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इसके कोई भी पैरामीटर्स पर ये खरी नहीं उतरती। जैसे चार और छः, यदि अपन फोर एंड एंड फोर पिक्स पे बनाते हैं, और सिक्स एंड एंड सिक्स पिक्स पे यदि अपन जो भी यदि सैटर्न एंड सैटर्न बनाते हैं तो वो अपने पैरामीटर्स को पूरा नहीं करती, तो उसको हम इरेगुलर बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था गर्ल्स कि इसमें मूविंग नंबर या शिफ्ट नंबर या काउंटिंग नंबर लेते हैं, जो कि एक तो फर्स्ट नहीं ले सकते, और जितने भी एंड्स एंड पिक्स पर बना रहे होते हैं तो वो उसका लास्ट उसके पास वाला नहीं ले सकते, और एक डिवाइजेबल नंबर नहीं ले सकते, है ना गर्ल्स। तो फोर एंड एंड फोर पिक्स में या सिक्स एंड सिक्स पिक्स में हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलता जो इसके पैरामीटर पर खरा उतरे, ठीक है गर्ल्स। नेक्स्ट हो गया सिंपल डेवलपमेंट। जो सैटर्न एंड सैटर्न वीव है इसमें जो है कुछ साधारण विकास किए गए या डेवलपमेंट विकसित किए गए, जिससे कि जो इनमें जो फ्लोट्स आ रहे हैं उनको ब्रेक किया जा सके, और इसकी जो अपनी मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो उसको बढ़ाया जा सके, है ना, जो करेक्टरिस्टिक या जो इसकी एडवांटेजेस है उनको बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए अपन ने वैनेटाइन, बकस्किन एंड प्रोटेक्टिव क्लोथ जो स्वान डाउन इम्पीरियल हैं उनको अपन ने पढ़ रखा है लैम्बस्किन को। तो ये सिंपल डेवलपमेंट्स हैं जिसमें अपन वार्प में या वेफ्ट में जो है अदर जो है मार्क्स लगा के और उनके फ्लोट्स को ब्रेक कर देते हैं गर्ल्स। इसके बाद अपन ने एक्सटेंशन ऑफ सैटर्न बेस वीव्स आ जाता है, सैटर्न बेस जिसमें कि अपन जो वेफ्ट फेज सैटर्न है उसको एक्सटेंड करते हैं, या तो वर्टिकली करोगे या हॉरिजॉन्टली करोगे या बोथ ऑफ द डायरेक्शन करोगे गर्ल्स। इतना अपना जो है गर्ल्स वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो आप लोगों को ये जैसे प्लेन वीव के लिए अपन को टू एंड एंड टू पिक्स की आवश्यकता पड़ती है, ट्विल वीव के अंदर हमें मिनिमम थ्री एंड्स एंड थ्री पिक्स की आवश्यकता पड़ती है, एंड सैटर्न में यदि हम इरेगुलर बनाएंगे तो फोर एंड एंड फोर पिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि रेगुलर बनाएंगे तो फाइव एंड फाइव पिक्स की मिनिमम आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह जो हील्स हैं प्लेन वीव के लिए हमें मिनिमम टू हील्स की आवश्यकता पड़ती है, यदि हमें और फाइन बनाना है
तो हम इसमें जो है 4, 6, 8 जितनी भी हैं हील्स अलग अलग लेके और फाइन कपड़ा बना सकते हैं, यानी कि प्लेन वीव से मोटा और पतले से पतला कपड़ा या मीडियम वेट फैब्रिक्स बना सकते हैं। ट्विल वीव में हमें मिनिमम 3 हील्स की आवश्यकता पड़ती है, और आप लोग जानते ही हो कि जितने एंड्स डिफरेंट कार्य करेंगे उतनी ही हमें हील्स की आवश्यकता पड़ेगी। सैटिन में हमें 4 इरेगुलर में और रेगुलर में 5 हील्स की आवश्यकता पड़ती है गर्ल्स। तो गर्ल्स ये अपने फर्स्ट ईयर की जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक वीव्स थी, लेकिन अपन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी स्ट्रक्चर टेक्सटाइल डिज़ाइन का ये पेपर चलेगा गर्ल्स। तो उसमें अपन लोग देखिए गर्ल्स, आप एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्विल वीव पढ़ें, आ जाइए फर्दर डेवलपमेंट्स ऑफ ट्विल वीव, जिसमें अपन लार्ज डायगनल्स ट्विल वीव पढ़ेंगे, शेडेड पढ़ेंगे, डायगनल्स ऑन सैटिन बेस पढ़ेंगे, फिगर ट्विल वीव, डायमंड एंड टाइपर वीव। नेक्स्ट अपनी आ जाती है गर्ल्स मिसलेनियस एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, जो आप लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में से भी इसमें से कुछ वीव्स करेंगे, जैसे क्रेप वीव है, हनीकॉम वीव्स है, हक्का बैक वीव है, मॉकलिनो वीव्स हैं एंड सिंपल स्पॉट डिज़ाइन वीव्स हैं। तो गर्ल्स ये अपने लोगों का आज यूनिट 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा। और इससे पहले भी मैंने जो आप लोगों को सारे लेक्चर्स दिए हैं अच्छी तरह से पढ़कर और ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा गर्ल्स, थैंक यू सो मच।